हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबको एक दफा फिर वेलकम मेरे चैनल पर और इस नए एपिसोड में। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, ईद ऑलमोस्ट आ चुकी है, एक से दो दिन बाकी हैं। तो मैंने सोचा कि एक लिस्ट वीडियो बनाई जाए और मैं बहुत अरसे के बाद एक लिस्ट वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने जब ये फहरिस्त तैयार की, जब ये लिस्ट तैयार की इन परफ्यूम्स की, तो इनको पिक करते हुए कुछ पॉइंट्स मैंने अपने माइंड में रखे थे। ये ऐसे ही नहीं बस मैं गया और मैंने बारे से कुछ भी उठा लिया। मैंने कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखे थे कि ये लिस्ट किस बेस पे होनी चाहिए। तो जो कुछ पॉइंट्स थे उनमें से एक पॉइंट ये था कि सबसे पहले ये परफ्यूम्स, तमाम परफ्यूम्स, इनका लाइकेबिलिटी फैक्टर हाई होना चाहिए। ये अच्छे स्मेल करना चाहिए और मेजोरिटी ऑफ द पीपल को ये पसंद आने चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा परफ्यूम नहीं है जो कि 100% लोगों को पसंद आए। हमेशा आपको एक छोटी सी परसेंटेज मिलेगी जो किसी भी परफ्यूम के बारे में बोल देते हैं जी हमें पसंद नहीं है, विच इज़ फाइन। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, बड़ी सब्जेक्टिव टाइप की ये हॉबी है, लेकिन हम लोग देखते हैं परसेंटेज। तो ये तमाम परफ्यूम ऐसे हैं जो 90%+ लोगों को पसंद आते हैं एंड दे स्मेल गॉर्जियस। और जो दूसरा फैक्टर था, जो दूसरा पॉइंट था, वो था लाउड। इनको लाउड होना चाहिए क्योंकि ईद आप लोग जानते हैं कि हमारे इस्लाम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एक ये त्यौहार है। तो आपको एक लाउड परफ्यूम चाहिए ताकि आप जब मस्जिद में जाएं या आपके जब घर में मेहमान मिलने आए तो आपको अच्छा स्मेल करना चाहिए, थोड़ा सा लाउड स्मेल करना चाहिए, जस्ट लाइक फॉर द फेस्टिव काइंड ऑफ फील। और उसके बाद जो एक पॉइंट था वो था लॉन्जिविटी। ये एक ऐसा परफ्यूम होना चाहिए जो आपको एक पूरे दिन की अच्छी लॉन्जिविटी दे। तो ये सारे परफ्यूम बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। अगर आपने अच्छे से स्प्रे कर लिया तो पूरा दिन आपका निकाल देंगे, आपको बार बार स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। और एक और पॉइंट जो मेरे माइंड में था वो ये था, इन परफ्यूम्स को पिक करते वक्त वो ये था कि ये परफ्यूम हाई क्वालिटी के होने चाहिए। तो इनमें तकरीबन सारे परफ्यूम ही महंगे हैं, थोड़े नीश क्वालिटी या नीश लेवल में आते हैं, महंगे आइटम्स हैं। और एक और पॉइंट वो ये था कि ये तमाम परफ्यूम इतने मशहूर होने चाहिए कि आपको इंटरनेट पे या यूट्यूब पे इनके रिव्यूज मिल जाएं। इनमें से कुछ मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं अपने चैनल पे, बाकियों की के नंबर लाइन में लगे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिव्यू करते जाएंगे। लेकिन आई एम श्योर कि जो मैंने परफ्यूम इसमें यहाँ पर अभी तक रिव्यू नहीं किए उनके आपको दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे बड़े आराम से काफी सारे रिव्यूज मिल जाएंगे और ये काफी मशहूर सेंट्स हैं। तो एक सिर्फ इस लिस्ट को तैयार करने का मकसद था कि एक फन टाइप वीडियो हो। मैं ये परफ्यूम्स डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट थोड़ा सा हिंट दूंगा कि यार ये स्वीट है या किस टाइप का है, एंड दैट्स इट। और डिटेल्स के लिए आप लोग रिव्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरे या और लोगों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है आपको बड़ा मजा आएगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। और टोटल 15 परफ्यूम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और मैं 40 से 50 परफ्यूम अपनी कलेक्शन से आराम से निकाल सकता हूँ इसी लेवल के, यानी नीच लेवल के। लेकिन ये वो परफ्यूम्स थे जिनको मैं आजकल ज़्यादा मैं इन हूँ, मैंने यूज़ कर रहा हूँ आजकल, ये मेरी थोड़ा सा मेरी लाइकिंग के साथ मैच कर रहे हैं। और एक और फैक्टर जो मैं बताना भूल गया वो ये था कि मौसम का, क्योंकि आजकल मौसम दिन में थोड़ा गर्म रहता है और शाम में थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो ये तमाम परफ्यूम ऐसे हैं जो इस तरह के वेदर में भी चल जाएंगे, एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान यूएई की, मैं यहाँ के इस तरह के जो हमारी जो कंट्रीज हैं बांग्लादेश वगैरह इनकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी यूरोप तो हमेशा ठंडा रहता है तो वहाँ तो कभी भी चल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर। तो नंबरिंग जस्ट काउंट करने के लिए होगी, बल्कि बीच में नंबरिंग शायद मैं करूंगा भी नहीं, लेकिन टोटल 15 परफ्यूम है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो परफ्यूम जिसकी मैं बात करूंगा वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ निशाने और ये है वोलोंग चा। और इसको मैं बड़े देर से रिव्यू करना चाह रहा हूँ, इसको अनकरीब ईद के बाद रिव्यू करेंगे। इसकी खुशबू की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्राइट सिट्रसी और ग्रीन टी बेस्ड ये परफ्यूम है और इट्स लाइक ग्रीन टाइप ऑफ सेंट, अमेजिंग खुशबू, अपलिफ्टिंग, ब्राइट, मेक यू स्माइल, और परफॉर्मेंस वगैरह, लास्टिंग वगैरह इस आउट क्लास। अगर आप इसे ईद पर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो ये था वोलोंग चा निशाने का। और नंबर दो पर जो परफ्यूम मेरे पास है वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन। इसको मैंने बहुत अच्छा पहले रिव्यू किया था और इसका फिर ये इट्स अ बीस्ट काइंड ऑफ सेंट। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ग्राम और ये स्विस अरेबियन की वाओ या वाह कलेक्शन में से एक परफ्यूम है। इसके अलावा आप वज्द जो इनके साथ आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस परफ्यूम की मैं बात करूँ तो ये एक दफ़ा फिर बहुत खूबसूरत सेंट है। इसके अंदर आपको कुछ वाइब्स मिलती हैं बकरात रूज 540 की। यू कैन से कि इसकी बेस में बकरात रूज 540 यूज़ किया गया है, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कुछ और चीज़ें ऐड हुई हैं
मैंने इसका एक रिव्यू बनाया था आज से 2-2.5 साल पहले मेरे चैनल पे, जब मैंने स्टार्ट किया था, दूसरी या तीसरी वीडियो थी। तो लेकिन मैं इन परफ्यूम्स को दोबारा रिव्यू करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो इस लाइन को मैं एक दफा दोबारा फिर से रिव्यू करूंगा। बट दिस इज अ बीस्ट काइंड ऑफ सेंट, बहुत प्यारा स्मेल करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और लोग आपके आसपास इसको बहुत पसंद करेंगे, कॉम्प्लीमेंट भी देंगे। तो ये था ग्राम फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन। और जो नंबर 3 पे मेरे पास परफ्यूम है, मैं कहूंगा कि दिस इज अ परफ्यूम फॉर किंग्स। वंस अगेन मेरे फेवरेट हाउस का परफ्यूम है और ये बहुत ही खूबसूरत और रिच स्मेल करता है। और यहां मैं बात कर रहा हूं अमवाज के गोल्ड फॉर मेन की। और दिस इज ट्रूली अ मास्टरपीस, और यू कैन से सच्ची मुच्ची का ये गोल्ड ही है। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, बेसिकली इट्स अ मस्की फ्लोरल काइंड ऑफ कंकॉक्शन, और बट इट स्मेल्स रॉयल, बहुत ही रिच स्मेल करता है। इसको मैं बहुत जल्द रिव्यू इसको मैं करूंगा क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, और स्पेशली खास तौर पे ईद जैसे त्यौहार पे, तो ये बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगा। बहुत लाउड और बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है और लोग आसपास आपके जो है वो बहुत पसंद करेंगे। स्पेशली अगर आप इसको मस्जिद में लगा के जाएंगे तो जो आपके साथ लोग नमाज पढ़ रहे होंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी। तो ये था अमवाज का गोल्ड। चले नेक्स्ट परफ्यूम की अगर बात करें तो ये परफ्यूम है फ्रॉम द हाउस ऑफ मेंसेरा। और मेंसेरा के मेरे पास तकरीबन आई थिंक मोर देन 10 परफ्यूम्स हैं और ऑल स्मेल्स ग्रेट। लेकिन ईद के हिसाब से कैसा परफ्यूम चाहिए था जो सबको पसंद आए, तो अदरवाइज तो मैं बहुत से ऐसे थोड़े परफ्यूम है जो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप होते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो मैंने एक ऐसा परफ्यूम पिक किया है जो बहुत ज्यादा कॉमन भी ना हो लेकिन थोड़ा मशहूर भी हो और थोड़ा सा ऐसा हो कि लोगों को पसंद आने वाला हो। तो यहाँ मैंने पिक किया सिसिली फ्रॉम द हाउस ऑफ मेंसेरा। और अगर इसकी खुशबू की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत, एक बार फिर ये कॉम्बिनेशन है सिट्रसेस और फ्लोरल्स का। जैस्मिन का बड़ा खूबसूरत नोट है इसके अंदर और आपको इसमें कुछ सिट्रसी टोन मिलते हैं टॉप पे। इसको भी बहुत जल्द रिव्यू करूंगा, बहुत ही प्यारी खुशबू, वंस अगेन लॉन्ग लास्टिंग बीस्ट टाइप ऑफ सेंट। तो ये था हमारे पास सिसिली फ्रॉम द हाउस ऑफ मेंसेरा। और चलें अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम पे। और ये भाई साहब बहुत बदनाम है ऑलरेडी, बहुत से लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं और परफॉर्मेंस तो आप लोग इसका नाम सुनते ही समझ जाएंगे कि किस टाइप की है, छत फाट टाइप की परफॉर्मेंस है। और ये है हमारे पास ऑर्थो पारिसी का मेगा मेयर। और मेगा मेयर की खुशबू के बारे में मैं क्या बताऊं, इट्स एन एक्वेटिक ओशनिक टाइप ऑफ सेंट विद ब्यूटीफुल स्वीट नुएंसेस, स्वीट बेस, कुछ मस्की टोन्स हैं। इसको मैंने रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पे, आप जाके डिटेल रिव्यूज का देख सकते हैं। इट्स एन अमेजिंगली ब्यूटीफुल सेंट, सॉल्टी स्वीट सिट्रसी एक्वेटिक ओशनिक टाइप ऑफ सेंट। एम्बरग्री का बड़ा खूबसूरत नोट आपको यहाँ पे मिलता है। इट स्मेल्स लाइक एन ओशन, सर्दियों वाला ओशन। तो ये था मेगा मेयर और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब जंप करते हैं नेक्स्ट परफ्यूम पे, और ये बड़ा मशहूर परफ्यूम है एक दफा फिर द हाउस ऑफ निशाने। और ये तो तकरीबन हर बंदे ने तकरीबन यूज किया होगा, और यहां मैं बात कर रहा हूं हाशिवाद फ्रॉम द हाउस ऑफ निशाने। क्रीट एवेंटस का इसको क्लोन कहते हैं, बट इन माई हम्बल ओपिनियन आपको यस वाइब वही मिलती है, लेकिन इट्स डिफरेंट जो यहाँ पे इसका पाइनएप्पल और जो बर्गम वगैरह यूज किए गए हैं, इसकी फील ज्यादा क्रीमी है और आप कह सकते हैं कि 50-50, थोड़ा सा आपको एवेंटस की फील देगा, फिर कुछ इसमें 50% इनका अपना जो काम किया है वो भी इसमें चलता है। तो बड़ा खूबसूरत सेंट है आशीर्वाद फ्रॉम द हाउस ऑफ निशाने, 99% लोगों को पसंद आता है। तो ये था हमारे पास परफ्यूम नंबर 6 पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यस। और चलिए अब जंप करते हैं अगले परफ्यूम पे, और ये परफ्यूम है मेरे पास फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद। और हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अंडालूसी। और इस परफ्यूम की अगर मैं बात करूं तो एक दफा फिर इसको मैंने रिव्यू किया था, मेरे ख्याल से पहला रिव्यू इसका यूट्यूब पे मैंने ही बनाया था। और ये वाओ बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल मीठा फ्रूटी और वुडी टाइप की कंकॉक्शन है, बहुत प्यारा स्मेल करता है, मस्की नुएंसेस मिलेंगे मीठे। तो आप जाके मेरा रिव्यू इस परफ्यूम के बारे में जरूर देखें, अ वेरी ब्यूटीफुल सेंट स्पेशली फॉर द ओकेजन ऑफ ईद। ईद पे बहुत सूट करेगा, मस्जिद में आप लगा के जाए नमाज पढ़ने, अब बहुत मजा आएगा आपको। और चलें अब जम करते हैं नेक्स्ट परफ्यूम पे, और यहाँ पे मेरे पास है वंस अगेन मेरा फेवरेट हाउस फ्रेडरिक मॉल। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिंथेटिक जंगल की, और इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पे। और इसकी खुशबू की अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरत ग्रीन टाइप का ये सेंट है, तो इट्स ऑल अबाउट ग्रीन ग्रीन ग्रीन। आपको यहाँ पे गैल्बनम मिलता है, कुछ फ्रूटी नुएंसेस मिलते हैं, कच्चे अमरूद टाइप की थोड़ी स्मेल मिलती है, बट इट स्मेल्स सो नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग और ग्रीन टाइप का सेंट है। मेरे चैनल पे आपको इसका कंप्लीट रिव्यू मिल जाएगा, सिंथेटिक जंगल फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेडरिक मॉल। और नेक्स्ट परफ्यूम वंस अगेन इज पलंग तोड़ परफ्यूम, और ये भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, और आई कैन से दिस इज द बेस्ट फ्रॉम द हाउस। और ये है मेरे पास फ्रॉम द हाउस ऑफ नासोमाटो बराउंडा।
और ये परफ्यूम मशहूर है अपने फोटो रियलिस्टिक विस्की के नोट के लिए, बहुत खूबसूरत स्मेल करता है, इसकी मिठास बहुत आला है। और यहाँ पर इसको मैंने रिव्यू किया था, इसका एटमाइजर मेरे वाली इस बोतल का ख़राब हो चुका है, बट काम चला रहा हूँ दूसरा एटमाइजर लगा के, लेकिन इट स्मेल सो गुड, इट्स स्वीट जैमी सिरपी रोज विथ फोटो रियलिस्टिक नोट ऑफ विस्की, और बहुत मशहूर परफ्यूम है। और ये इसकी परफॉर्मेंस भी पलंग तोड़ा जैसे मैंने पहले कहा, तो ये है वराउंडा फ्रॉम द हाउस ऑफ नासोमाटो। और चले जंप करते हैं अगले परफ्यूम पे, और एक दफा फिर इस पूरी लिस्ट में परफ्यूम्स एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक हैं। और यहाँ पर एक दफा फिर वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ टॉम फोर्ड, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टॉम फोर्ड ब्लैक ऑर्किड ऊ दे परफ्यूम की। और दिस परफ्यूम इज टाइमलेस, ये परफ्यूम इसके मैंने बहुत से क्लोन्स भी यूज़ किए हैं, मेरे पास ये बोतल शायद ये भी बहुत देर से है, और मैं कभी इस परफ्यूम से बोर नहीं हुआ। एक बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल कंकोक्शन, ऑर्किड फ्लावर के साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं ट्रफल्स और चॉकलेटी वाइब्स विद सम वुडी बेस, और बहुत खूबसूरत ये परफ्यूम है। मैंने इसका भी शायद मेरे चैनल पर आपको रिव्यू मिल जाएगा, वरना नहीं हो तो उसको भी रिव्यू कर देंगे। तो ये था हमारे पास टॉम फोर्ड का ब्लैक ऑर्किड ऊ दे परफ्यूम। और अब जो अगला परफ्यूम है, वंस अगेन ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि दिस इज फ्रॉम माय बेबी प्रोजेक्ट, मेरा जो अपना ब्रांड है सेस्मी परफ्यूम, उसका एक परफ्यूम है। एंड यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नुआर फोंसे फ्रॉम द हाउस ऑफ सेस्मीर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेस्मीर मेरा अपना ब्रांड है, मैंने कभी इसको खुद से रिव्यू नहीं किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे यूट्यूबर जो मेरे भाई हैं उन लोगों ने तकरीबन जो आई थिंक मेन स्ट्रीम के जितने भी लोग हैं उन्होंने सब ने इसको रिव्यू किया हुआ है, एंड मुझे आज तक अपने ब्रांड की 100% पॉजिटिव फीडबैक आया है। 1% आप चले इस पर से माइनस कर देंगे, शायद कुछ लोगों को पसंद ना आया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा ना हो, अदरवाइज जो मुझे फीडबैक आज तक मिला है उसको आप कह सकते हैं कि 99.9% इज पॉजिटिव। और अगर नुआर फोंसे की बात करूं तो ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ब्राइट टाइप का परफ्यूम है, और इसकी खुशबू आपको याद दिलाएगी बरीडो के ब्लैक सैफ्रन की, लेकिन ये एग्जैक्ट वैसा नहीं है, कुछ इसमें चेंजेस हैं, इसको भी कभी रिव्यू करेंगे। तो इसके टॉप पे मिलता है आपको बहुत ही खूबसूरत स्वीट सैफ्रन, फिर आपको कुछ खट्टी बेरी के नोट्स मिलते हैं यहाँ पे, और जूनिपर बेरीज इसमें यूज की गई है, और उसके बाद फिर इसकी बेस के अंदर आपको मिलता है कुछ लेदर और बड़े ही प्यारे मीठे कुछ और नुमाइंस भी यहाँ पे आपको मिलते हैं, इसको रिव्यू करेंगे। तो फ्रूटी और यू कैन से कि लेदरी काइंड ऑफ कंकॉक्शन है, एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग है, और प्रोजेक्शन इज अ बीस्ट हेयर, 3-4 घंटे के बाद भी अगर आप इसको लगा के किसी की गाड़ी में एंटर होते हैं या किसी को मिलेंगे तो पूरी गाड़ी को ये खुशबू से भर देगा। सो दिस इज नुआर फोंसे फ्रॉम माई ब्रांड सेस्मीर परफ्यूम्स। और चलिए अब जंप करते हैं नेक्स्ट परफ्यूम पे, और इस परफ्यूम ने भी कुछ साल पहले बहुत धूम मचाई, बड़े अवार्ड इसने जीते, और आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही यूनिक सेंट जो रिसेंट टाइम्स में रिलीज हुआ, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गैनीमेड फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क अंतुआ बखवा। और यहाँ पे आप लोग सब जानते होंगे, इसको भी मैंने रिव्यू किया हुआ कि बहुत ही खूबसूरत मेटालिक और यू कैन से के मिनरल टाइप के नोट्स विद सम फ्लोरल्स, और बहुत ही डिवाइन टाइप का सेंट है, सिट्रसेस हैं, बड़ा ब्राइट और अपलिफ्टिंग स्मेल करता है, और बिलीव मी गाइस कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इस परफ्यूम को लगाने से, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग और लाउड परफ्यूम है। तो गैनीमेड, और अब तो हमारे पास नंबर 13 पे एक दफा फिर एक बड़ा ही बदनामे जमाना परफ्यूम, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ थॉमस कुसमल्ला नंबर 4 एप्रिल अमोर की। और इसकी अगर खुशबू की बात करें तो ये कुछ कुछ बकरा थ्रूज 540 टाइप स्मेल करता है, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, मैंने अपने चैनल पे इसको रिव्यू किया हुआ है, जरूर चैनल पे जाकर रिव्यू देखें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में मजीद जानने के लिए। तो यहाँ भी आपको एक बड़ी मीठी सी मिठास मिलती है, लेकिन इसमें आपको कुछ फ्लोरल्स की कड़वाहट भी मिलती है, इसमें जैस्मिन वगैरह कुछ फ्लोरल्स ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और परफॉर्मेंस के मामले में ये बहुत मशहूर है कि ये छत उकाड़ बंदे तोड़ टाइप का ये परफ्यूम है। तो ये था थॉमस कुसमल्ला नंबर 4 एप्रिल लमोर। और चले अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम पे, ये थोड़ा यूनिक टाइप का परफ्यूम है, इसको मैं भी इनकरीब रिव्यू करूंगा, वन ऑफ माय फेवरेट द हाउस, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अमवाज बीच हट की। और अगर अमवाज बीच हट की बात करें तो ये काफ़ी यूनिक और खूबसूरत इसकी कंपोजिशन है, ये मिंटी और ग्रीन टाइप का सेंट है, आपको इसमें मिंटी बबल गम का हल्का सा फील मिलता है, उसके बाद आपको इसमें मिलता है ग्रीन कलर का गैल्वेनम और साथ वेटीवर और कुछ और चीज़ें मिलती हैं, इसको हम करीब रिव्यू करेंगे डिटेल में, तब तक के लिए हौसला रखें और
अगर आपके पास है तो पिक करें, लगाएं ईद पे, वरना आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर कहीं से मिले तो आप खरीद भी सकते हैं और इसको ट्राई जरूर करें। और अब हमारे पास आता है परफ्यूम, हमारा लास्ट वाला नंबर 15 पे। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल परफ्यूम है क्योंकि यहाँ पे डिसलाइकिंग रेशियो थोड़ी ज्यादा है, बाकी तमाम तो फटे तोड़ हैं, लेकिन यहाँ पे इस परफ्यूम में थोड़ा सा है कि कुछ लोगों को ये शायद पसंद नहीं आता, बट फॉर मी इट स्मेल्स डिवाइन। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पैचुली इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ निकोलाय। और इस परफ्यूम को भी मैंने रिव्यू किया है डिटेल में, आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसमें आपको एक सोपी टाइप की खुशबू मिलती है स्टार्ट में, मस्की नोट्स हैं, लेकिन इसके साथ जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसके अंदर बहुत ही ग्रीन स्पाइसी शार्प ब्राइट टाइप की पैचुली विद सम स्वीट मस्की नोट्स। और डिटेल्स के लिए रिव्यू देखें। ये एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, इसकी लॉन्जिविटी 3 से 4 परफ्यूम या मैक्सिमम 4 से 5 स्प्रे अगर आपने कर लिए अपनी शर्ट में या कपड़े पे, तो आप जहां से गुजरते जाएंगे आप अपने खुशबू फैलाते जाएंगे, पूरा दिन ये आपको एक जबरदस्त एक्सपीरियंस देगा। जिसके पास से गुजरेंगे या इंटरेक्ट करेंगे तो उसको इसकी खुशबू आएगी, वो कॉम्प्लीमेंट ना करे तो वो अलग बात है, लेकिन इट परफॉर्म्स लाइक अ बीस्ट। सो ये था पैचुली इंटेंस द हाउस ऑफ निकोलाय। तो यहाँ होती है पूरी हमारी लिस्ट, उम्मीद है आपको ये सिलेक्शन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों के पास ये परफ्यूम्स हैं तो पिक करें, लगाएं, ईद पे इंजॉय करें, और अगर नहीं है तो अभी आपके पास आई थिंक थोड़ा सा टाइम होगा, ले लें या जस्ट फॉर द फन आप इस वीडियो को इंजॉय करें। तो ये था आज का वीडियो, लिस्ट वीडियो, और मिलता हूँ एक अगली लिस्ट वीडियो में, वो भी ईद स्पेशल ही होगी, लेकिन उसमें यहाँ पे थोड़े जो परफ्यूम चूज किए गए थे ये थोड़े ऐसे थे जो लोगों को पसंद आते हैं, जो अगली वाली लिस्ट है वो थोड़े ऐसे परफ्यूम है जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते, वो हमारे तरह के लोगों को पसंद आते हैं, तो इसके बाद आप उस लिस्ट पे आते हैं। तो एंजॉय करें इस वीडियो को, और अगली वीडियो तक के लिए भाई को दें इजाजत, और सब सबको एडवांस ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज, पुट योर सेंट ऑन एंड स्टे फ्रेग्रेंट, बाय।